क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पीआर के लिए, और इनका कोर्स हो चुका है, कांग्रेचुलेशंस। बट सो इसके आगे भी जाके ग्रोथ होती रहेगी ना, क्योंकि आईटी, क्योंकि ये तेरे को ना यूनिवर्सिटी सिखाएंगे ना तेरे को कोई कॉलेज में सिखाएंगे, तो दिस इज द रियलिटी। जितना आसान लगता है पीआर मिलना, ये सब इतना आसान है नहीं। Hi guys, hello and welcome back to another vlog. Sir, camera bhai. Hello. Welcome back to another vlog. This is Cat Vlog, Euro Punjabi. And आज इनको खोल के रखने वाले हैं, मतलब इनकी कोर्स को, आपके कोर्स को खोल के सामने रखने वाले हैं। So, बताते हैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में क्या होने वाला है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही देने वाले हैं आज, क्योंकि आज हम ये भी काम से आए, मैं भी काम से आया हूँ, बट वी हैव समथिंग टू टेल यू। फिलहाल के लिए कुछ खा लेते हैं उसके बाद। सो खाना पीना हो गया, तो ये व्लॉग थोड़ा सा जल्दी जल्दी कन्वर्ट करेंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि भाई को भी जाना है, मेरे को भी जाना है। एंड सबसे पहले तो गुरुपूर्व की शुभकामनाएं, एंड सीन तो मैं बता देता हूँ। सो आपका कोर्स कौन सा है? बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इस कोर्स पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अच्छा कोर्स है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, क्योंकि भाग रहे हैं उसके बारे में। क्यों होगी मतलब ये सर, ये कोर्स इज समथिंग जो लोग प्रेफर करते हैं लेना, स्पेशली स्टूडेंट्स, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो जल्दी हम बता सकें, टॉपिक्स कवर कर सकें, ताकि हम बाकी जो कोर्सेज रह जाएंगे उन्हें भी कवर कर लेंगे। सो पहले जो हाइप है उनकी बात करते हैं। सो सर बताइए कैसा है ओवरऑल, पहले बता बात करें तो अफोर्डेबिलिटी कैसा है? सॉरी, मैंने तो कॉलेज में किया था, अगर किसी प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में करोगे तो वो काफ़ी महंगा भी होगा। हाँ, तो जो मेरा था उसका अभी 3 साल का खर्चा $50,000 था। $50,000 3 साल के बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो मुझे लगता है बाकी यूनिवर्सिटीज में भी इतना सिमिलर ही होगा। अगर तू जैसे अभी RMIT में जाएगा, जैसे और में जाएगा, उसमें तो बहुत ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा, लेकिन 3 साल का कोर्स है ना, इससे ज्यादा कितना? 70 हो जाएगा। ओके, $20,000 का फर्क पड़ जाएगा, पर मंथली मेरा $2,000 आता था। हाँ, पर वही अगर किसी और जगह पे जाएगा वो 3,000 हो जाएगा। आपने कहाँ से किया था? मैंने VIT में करा था, विक्टोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, सो बाकी यूनिवर्सिटीज के मुकाबले थोड़ा सा सस्ता है, बट इससे ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। हाँ, इससे ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो 3 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स। अगर मैं पार्ट टाइम करता था, मैं सिर्फ 2 दिन वीक में जाता था। ओके, लेकिन जो करना चाहे फुल टाइम भी कर सकता है, फुल टाइम भी कर सकता है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, 1-2 साल में हो जाएगा। हाँ, एंड फीस आपने खुद निकाली? फीस सारी खुद। ओके, तो ऑब्वियसली 2 ऑप्शन होते हैं हर कोर्स में, कि आप खुद निकालना चाहो या कैसे करना चाहो। सो या एक ये चीज़ है, एंड दूसरी चीज़ की अफोर्डेबिलिटी हो गया। कैसा लगा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस? देखो, अगर तो तुम्हें IT पसंद है अभी, अगर तुम वो चीज़ करना चाहता है, हाँ, तो करो। अगर अभी आपका मन नहीं, आप सोचते हो भी सिर्फ PR के लिए, हाँ, तो मत करना, क्योंकि उसके बाद जॉब वगैरह मिलने में बहुत दिक्कत आ जाती है ना। अगर तेरे को उस चीज़ में भी इंटरेस्ट है तो हो जाएगा, नहीं तो भी नहीं ना। जैसे भी कई लोग कुकरी कर लेते हैं, फिर उनको किचन में काम करना नहीं आता ना, हाँ, फिर वो चीज़ बहुत 2 साल जो उनके होते हैं बहुत मुश्किल से निकलते हैं ना। वैसे ही हर फील्ड में ऐसे ही होता है ना, अगर आपको भी वो चीज़ पसंद है तो करो, बस PR देख के मत करना ना। ओके, क्योंकि फिर भी काम वगैरह अगर मिल भी जाएगा तो फिर एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। अभी तो खुद सोचना, अगर कोई बंदा इंडिया से आया, उसको वेबसाइट वगैरह बनानी आती नहीं है, तो वो सिर्फ PR के लिए। हाँ, नहीं कर पाएगा ना वो चीज़ ना। हाँ, तो वो ये भी अगर आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ में, हाँ, तो ही करना है। और PR की अगर बात करें, तो PR की अगर बात करें, वाकई में है आसान जितना बताते हैं उतना है या नहीं? आसान का अभी मेरे को तो पता नहीं, अभी मैं तो हुआ नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जितना मेरे को पता है भी, उस भी IT में पॉइंट्स वगैरह आपको कि बाकी जॉब से, अभी बाकी फील्ड्स में से ज़्यादा चाहिए ना। हाँ, जैसे अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह में हो तो आप कम से भी आपका चल जाएगा। हाँ, लेकिन IT में भी आपको 70-80 पॉइंट्स तो मिनिमम चाहिए ही होगा जो। ओके, और वो आप अगर करना चाहते हैं तो, हाँ, चाहे आप, हाँ, 3 साल की पढ़ाई के बाद, हाँ, या आपको 4 साल की PR मिलेगी, हाँ, PR के बाद 4 साल की PR मिलेगी बैचलर्स ऑफ IT में, आईटी में, कि आपको
चार साल की टीआर मिलेगी और उस चार साल में भी चाहे आप एक साल प्रोफेशनल ईयर कर लो चाहे आप एक साल ये अपने फील्ड में काम कर लो ना सो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर वो लिस्ट में आप चेक कर लेना भी आप जो काम करना चाहते हो उसमें आता भी है कि नहीं ना तो फिर आप तीन साल की जो पढ़ाई पूरी करके फिर आपने फिर उस फील्ड में जॉब ढूंढनी है फिर एक साल एक्सपीरियंस करके नाती और आईएलएस वगैरह करके लेकिन उसमें भी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लेने की कोशिश करना सेवन ईच या एट ईच नाती से मिला था आपको 10 पॉइंट मिलते हैं नाती के 5 या 10 मिलते हैं ना तो नाटी मतलब कि जो अपनी लैंग्वेज है उसमें एक पेपर देना पड़ता है लाइक आईएलएस जैसे आप भी हिंदी कर रही है और हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और पेपर में इंग्लिश पे कुछ क्वेश्चन आएंगे उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है ऐसा होता है ना ओके और आईएलएस वगैरह का सबको पता ही है 7 या 8 अफोर्डेबिलिटी हो गया पीआर हो गया कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है हार्ड है नहीं इजी लाइक नॉर्मल कोर्सेज हां बहुत इजी है हो जाएगा लेकिन ये चीज़ सच है कि सिर्फ पीआर का सोच के नहीं अगर अगर वाकई में करना हो तो आप बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं ऐसे अगर नर्सिंग हो गया चाहे एनिमेशन कर अगर किसी को आती ही नहीं है बिल्कुल भी तो इंटरेस्ट ही नहीं है तो करने को करना लेकिन ये कि अगर कर लो तो बाकी कोर्सेज जो इन जनरल बोल रहा हूँ सिर्फ आईटी नहीं इन जनरल बाकी कोर्सेज के मुकाबले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वाकई में पीआर उनके मुकाबले तो आसान मेरे जैसे मेरे ऐसे कोर्सेज हो गए आईटी के जो फील्ड्स वगैरह वो आती रहते हैं इसमें ना इनविटेशन आते रहते हैं पीआर के लोग हैं तो इट्स बेटर बट सो इसके आगे भी जाके ग्रोथ होती रहेगी ना क्योंकि आईटी तो चाहिए किसी भी देश को चाहिए यूजुअली ऑस्ट्रेलिया आउटसोर्स करता है अपना काम बैकएंड का बट अगर ऑस्ट्रेलिया में मिल जाए कुछ ऐसी चीज पर्सनल आप बताना चाहोगे मेरे को इसकी एक बहुत अच्छी बात लगी अगर आपको इंटरेस्ट है ना उस चीज में जैसे आईटी हो गया या एनिमेशन में हो गया जब भी आपके पास फ्री टाइम है ना भी आप कोई ना कोई वेबसाइट बना लो या कोई ऐप बना लो या आईटी में कोई लैंग्वेज वगैरह सीखनी शुरू कर लो ना यूडमी वगैरह से जाके ना तो उसका क्या है अभी आपके पास फ्री टाइम है अभी आप कर लोगे पर जब आपकी स्टडी खत्म होगी ना तो वो सारा कुछ आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा और आपको जॉब या इंटर्नशिप मिलने में बहुत इजी हो जाएगा ना तो ये चीज आपके में भी हो सकता है ये चीज ये फिक्टिशियस प्रोजेक्ट्स आईटी में भी बनाए जा सकते हैं हां आईटी में वेबसाइट वगैरह भी बनाई सकता है तो लैंग्वेज पाइथन सीख सकता है अभी वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये चीजें तू अभी से सीखनी शुरू कर ले ताकि जब स्टडी खत्म होगी क्योंकि ये तेरे को ना यूनिवर्सिटी सिखाएंगे ना तेरे को भी कोई कॉलेज में सिखाएंगे ये खुद ही सीखनी पड़ेगी ना तो बहुत बेसिक HTML, CSS, Java बहुत बेसिक सिखाएंगे ना ओके पर तेरे को Udemy वगैरह से खुद ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और आगे जाके भी तेरे को जॉब वगैरह इजीली मिल जाएगी मेरा कोर्स है बैचलर्स इन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सिमिलर टू आईटी था बट मैं पिछले साल से लेके आ गया मेरा कोडिंग का हुआ नहीं तो मैंने ये जो मेरी चीजें बोल रहे हैं मैंने अपने कोर्स में क्या करा एक साल मेरे को जॉब तो मैं अप्लाई करता था नहीं मिलती थी बट मैं अपने फिक्टिशियस प्रोजेक्ट्स बनाता था डिजाइन हो गया वीडियोस हो गए ग्राफिक्स हो गए तो उसकी वजह से मेरे को अब जाके फायदा हुआ है सो एवरी डे इफ यू डू समथिंग इट विल बी हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से दैट्स व्हाट आई डिड एंड ये भी कर रहे हैं बट इनका कोर्स हो चुका है कांग्रेचुलेशंस 3 साल का कोर्स कंप्लीट अब टी आर फैशनल ईयर शुरू हो चुका है हाँ प्रोफेशनल ईयर का बता दिया आपने फैशनल ईयर में क्या होता है अभी पहले आपको हफ्ते में एक दिन 8 घंटे भी जाना होता है ये प्रोफेशनल ईयर करने और ये एक साल का होता है जिसमें भी शुरू शुरू के 3-4 महीने भी आपको ट्रेनिंग देंगे कि रेज्यूमे वगैरह कैसे बनाना है इंटरव्यूज कैसे करनी है जॉब कैसे ढूंढनी है और उसके बाद ये आपको इंटर्नशिप ढूंढ के देंगे और आपको वीकली 3 दिन जाना होता है इस इंटर्नशिप में और हर महीने आपको लगभग $1,000 या $1,200 प्रोफेशनल ईयर का खर्चा है लेकिन उससे आपको बाद में आसान हो सकती है हाँ क्योंकि आपको फिर वो एक्सपीरियंस नहीं दिखाना पड़ता भी एक साल जॉब का एक्सपीरियंस आपको ये भी ऐसा जॉब एक्सपीरियंस काउंट होगा जस्ट अ थिंग अगर कोई प्रोफेशनल ईयर ना करके या करने की जरूरत ना पड़े वो अपने ही क्योंकि मैंने भी पहले 1-2 महीने जॉब ढूंढने की कोशिश करी थी पर मेरे को मिली नहीं इसलिए मैंने प्रोफेशनल ईयर शुरू किया है पर अगर आपको जॉब मिल गई तो फिर सही है ब्रो सट्टा काम सो दिस इज द रियलिटी जितना आसान लगता है पीआर मिलना नहीं सब इतना आसान है नहीं सो कीप इट इन माइंड नहीं तो आपको प्रोफेशनल ईयर वगैरह में अप्लाई करना पड़ेगा और ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा तो दोनों में से जो भी चूज कर सको एंड द फर्स्ट थिंग इज टू अगर पढ़ना है तो ही वो क्या कोई भी कोर्स तभी चूज करो सो घर की तरफ भाई मेरे को घर छोड़
रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन था जो मुझे लगता है बता देना चाहिए, मुझे दिमाग में आया कि भाई कोर्स करने के बाद पाथवेज, फ्यूचर करियर गोल्स क्या हो सकते हैं जो बंदा अचीव कर सकता है? काफी है अगर तेरे को, मेन तो दो ऑप्शंस पूछते होते हैं। हाँ। तुझे नेटवर्किंग में जाना है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ना, वो तेरे पे डिपेंड करता है ना। अभी तुम्हें सॉफ्टवेयर वाली फील्ड में जाना है जहाँ पे तेरे को एप्स बनाने को मिलेंगे, डेवलपिंग, हाँ, वेबसाइट हो गया, एप्लीकेशन हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए ना। और नेटवर्किंग में मेरे को इतना पता नहीं था अभी उसमें क्या क्या आता है। आपने कहा लिया सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसमें अभी आगे तुम्हारे पे डिपेंड है अभी तुम्हें क्या ज्यादा अच्छा लगता है ना, अभी एप्स वगैरह बनाने, वेबसाइट बनानी, सॉफ्टवेयर बनाने ना, उस हिसाब से जॉब्स मिल जाती है। और अगर हेल्प डेस्क में करना है तो वो भी जॉब मिल जाती है। हेल्प डेस्क में लगता है, हाँ, हेल्प डेस्क में इजीली वो एंट्री लेवल पे मिल जाती है तेरे को ना। और सिस्टम एनालिटिक्स वगैरह, सिस्टम एनालिटिक्स वो भी तो इजी होना चाहिए, वो मेरा एंट्री लेवल में आ जाता है वो तो। डाटा एनालिस्ट, जॉब्स के पाथवेज काफी सारे हैं, बट द थिंग इज एज यू सेड कि थोड़ा मुश्किल हो रखा है फिलहाल मिलना जॉब्स। एक्सपीरियंस ही देखते हैं अपन। सो वही चीज कि अगर आपके पास टाइम है तो यूज इट, कुछ पढ़ लो या कोई नई स्किल सीख लो उसी फील्ड में, सर्टिफिकेट्स कर लो। हाँ, सर्टिफिकेट्स कर लो। अब तो गूगल भी कितने सारे फ्री सर्टिफिकेट्स देता है, या माइक्रोसॉफ्ट से भी काफी हो जाते हैं। हाँ, सो बाकी कुछ भी नया जानने को मिलेगा यार तो हम कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, अगर आपको पता है तो आप लिख दीजिए, डीएम कर देना। सो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। करण भाई का इंस्टाग्राम के नाम के नीचे आ रहा है मेरा डिस्क्रिप्शन में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना मुझे पता था, बैचलर्स से रिलेटेड मैंने बताया भाई से पूछ के। किसी और कोर्स पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में भर दो कमेंट सेक्शन। सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दिस इज कैप्स व्लॉग यूरो पंजाबी साइनिंग ऑफ। बाय।